लेकिन ये जब तक मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। ये मैंने इसमें पानी अम्मी ने डाल दिया, इसके लिए मैंने पानी डाला इसके अंदर। ये सिनेमन स्टिक, तेज़पात अपने लिहाज से डालिएगा। ये अगेन मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च, वो लाल मिर्च कह रही हूँ काली मिर्च डाला है इसके अंदर। लौंग डाली, इलायची डाली, छोटी और बड़ी इलायची दोनों डाल दीजिएगा, लेकिन छोटी इलायची थी नहीं तो मैंने इसमें बड़ी इलायची डाल दी, तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। ये मैं डाल के इसको चढ़ा दूँगी। ये देखिए अभी मैंने इसमें अदरक लहसुन नहीं डाला, थोड़ा सा जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर मैं उसके बाद इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। और ना ही मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक होता है पाए मसाले के अंदर पिसा हुआ है। ये अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसकी यखनी बनाएंगे पाए की, और जितनी देर तक गोश्त गले, मतलब ये पाए गलेंगे 2-3 घंटे आप इसको पकाएं मैक्सिमम, तो बहुत अच्छे गले हुए। और नहीं ये उसके लिए ग्रेवी जो मैं बनाऊँगी, मैंने इसको करना है ग्राइंड। ये देखिए इसको पकते पकते और इसमें बहुत जूस बन चुका। और ये मैंने प्याज और दही का मिक्सर में मैंने पूरा पाए मसाला डाल चुकी हूँ इसके अंदर। ये देखिए इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, और ये देखिए मैं चिल्ली ली करूँ, कोशिश ये बस आपके अंदर चिल्ली ली करूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन, ये देखिए अदरक लहसुन ऐड कर लिया। उसके बाद मैं इसमें करूँगी तेल ऐड और फिर इसको मैं भूनूँगी। ये देखिए अदरक लहसुन अपने लिहाज से डालें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जो ग्राइंडर में रह चुका था मज़ीद, उसमें मैंने पानी डाल अलग करने के बाद उसको मैं और मेरी अम्मी मिल के इसको छान लेंगे, क्योंकि यखनी को छानना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये बिल्कुल हो चुका है, मैक्सिमम तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पाए, तो इसमें आपको ज़रा सी भी स्मेल नहीं नज़र आएगी, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। अब देखें भुन चुका है, इसके अंदर मैंने इसकी यखनी डाल दी। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा चलाऊँगी कि नीचे लग तो नहीं रहा, ये देखने के लिए लूँगी आटा, आटा इतना लूँ करूँगी। और ये ब्राउन होने के बाद मैंने इसको प्याले में निकाल लिया, थोड़ा सा पानी डाला। और ये देखिए, क्योंकि आपको पता है अम्मियाँ थोड़ी सी ज़रा सा वो करती हैं, तो मैंने फिर भी चख लिया। ये देखिए मैंने इसमें ये एक्स्ट्रा मिक्सचर डाल दिया, लंबी फुटेज हो रही थी। और फिर देखिए हमारी ग्रेवी हो गई गाढ़ी, उसके अंदर मैंने डाला प्याज का तड़का लगाया। अंदर मैं थोड़ा सा ज़रा ढकना लगाऊंगी, तेल भी डाल दिया इसके अंदर, तड़का लगा चुकी हूँ, ढकना लगा के इसको बंद करूँगी। उसके बाद जो गार्लिक के साथ, वो सॉरी जिंजर के साथ इसको सर्व करूँगी, जिसे कहते हैं अदरक के साथ और गार्लिक, वो क्या कहते हैं पुदीने के और लहसुन, वो हरे धनिए के साथ इसको सर्व करूँगी। ये देखिए मज़ेदार हमारे पाए रेडी हैं।